दोस्तों वीडियो पूरा देख के जाइएगा, जिंदगी बदल जाएगी, सोच भी बदल जाएगी। हाँ तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कौन हूँ पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, देसी अमजद 85 मुंबई वाला टैक्सी ड्राइवर, जो बोलता हूँ दिल खोल के बोलता हूँ और किसी से एक कतरा भी नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ परवरदिगार से डरता हूँ। तो बात को सुनो, हम लोग अभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में फीस दे रहे हैं, ट्यूशन में फीस दे रहे हैं, मगर जो इस देश का जो ब्रांड ब्रांड जो आदमी है, जैसे हो गया अजय देवगन, जैसे हो गया विराट कोहली सर, महेंद्र सिंह धोनी, जितने अन्य भी और भी क्रिकेटर हैं और भी स्टार हैं जो जुआ का एड करते हैं, ड्रीम इलेवन जिंदगी बर्बाद है, और भी बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप हैं, जो यूट्यूबर हैं जिसका मिलियन में फॉलोवर है वो लोग भी ट्रेडिंग ऐप का वो लोग भी प्रचार करते हैं। मतलब हमारे देश का जो युवा है, जो जनरेशन है, जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, मतलब सबको जुआड़ी बनाना है, ये तो आप लोग ने पक्का ठान लिया। जितने भी हिंदुस्तान में औरत माताएँ हैं, सब मेरी दीदी हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो मेरी वाली है वो मेरी वाइफ है, तो औरत का किरदार बहुत है। तो जितने भी मेरी दीदी हैं, जैसे हो गया काजोल दीदी, तो मैं काजोल दीदी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अजय देवगन, जब आप मेरी दीदी हैं तो अजय देवगन जी जीजाजी हुए, तो जीजाजी से इतनी सी तो बात थोड़ा सवाल करेंगे कि जीजाजी आपके पास प्राइवेट जेट भी है, बंगला है, बिल्डिंग है, इतने दिन से फिल्म बनाते हैं और आप मराठा हैं, महाराष्ट्र का हैं, फिर आप आने वाले जनरेशन को जंगली रमी खेलने क्यों बोल रहे हैं? अगर अजय देवगन जी आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ बिहारी स्टाइल में, आप अगर एक साल बैठ के जंगली रमी अपना घर में खेलो तो आपका चड्डी बनियान घर सब बिक जाएगा, और आप कहते हैं कि जंगली रमी खेलो, और लास्ट में कहलाते हैं कि इसमें आदत लग सकता है, अपने जिम्मेदारी से खेलें, मतलब अपने भी इल्ज़ाम भी नहीं लेना चाहते हो और आने वाले जनरेशन को बदनाम करना चाहते हो। आने वाले जनरेशन क्या सीखेंगे कि अजय देवगन जी बोले हैं जंगली रमी खेलो, तो कोई बोलता है जुप्पी लूडो खेलो, यार इसमें लाइफ बर्बाद है, फ्यूचर बर्बाद है। आप लोग इतने पैसे वाले हैं, आप लोग स्कूल खोलेंगे, गरीबों को पढ़ाएंगे, जो आदमी नया नया मोबाइल लेगा उसके लिए मोटिवेट वीडियो डालेंगे, अब जो लड़का नया मोबाइल लेगा, खोलेगा मोबाइल, देखेगा अजय देवगन बोल रहा है जंगली रमी डाउनलोड करो और लाखों कमाओ, भाई वहाँ से लाखों बर्बाद हो जाएंगे, कोई कमा नहीं सकते। कौन सा कंपनी है जो इंटरनेट में भाई वो पैसा कमा के आपको देगा और वो नहीं कमाएगा? अरे ये सब चूतिया बनाने वाली काम है भाई। जनरेशन को बचाया जाए, जनरेशन को समझाया जाए, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो ये सब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सामने में देखो स्कूल है, सामने देखो रिलायंस हॉस्पिटल है, देखो कितने बंदे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे लोग, मैं खुद अपने दो बच्चे को स्कूल छोड़ के आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज ही रात में मेरा बेटा हमसे पूछ रहा था कि पापा जंगली रमी क्यों क्या है, जुब्बी लूडो घर में बैठ के खेल के आप पैसा कमा सकते हैं, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा बेटा ये कहता है। मतलब तुमने तो मेरा बेटा को अपने बेटा बेटी को विदेश में पढ़ाओ और यहाँ पे जुआ का एड करो, और तुम दूसरे का बेटा बेटी को जुआड़ी बनाओ और अपने बच्चे को लंदन अमेरिका में पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप लोग अगर किसी का बच्चे का एजुकेशन नहीं करवा सकते हैं, किसी का बच्चे का जीवन नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग ये इंटरनेट का ये सब जुआ वाला ऐप को अल्लाह के वास्ते आप लोग ये सब प्रचार ना करें। आप लोग हिंदुस्तान के फेमस आदमी हैं, आप लोग बड़े बड़े आदमी हैं, और आप लोग का वीडियो हर एक का मोबाइल में जाता है, और आप लोग बड़े बड़े कंपनी से चंद पैसे में अपने ईमान को बेच देते हैं, कभी बिमल का ऐड करते हैं। आप बताइए अजय देवगन जी, आप कितना बिमल दिन भर में खाते हैं? आप तो ऐड कर देते हैं पान मसाला सदा बाहर जिंदगी बाहर, बट आप कितना खाते हैं? आप अगर उससे तंबाकू को हटा दिया जाए और खाया जाए तो जबान मोटा हो जाती है, घाव हो जाता है सब में। मैं खुद खाता था,
वक्त का साथ बदलना सीखा, तब मुझे पता चला हमको छोड़ के क्या फ़ायदा है। फिर अजय देवगन जी क्यों बोलते हैं कि ज़िंदगी का मकसद पान मसाला पान बहार तो जुआ खिलाना, तो कपिल जी भी वही बोलती हैं। हरभजन सिंह जी, क्या कमी है तुम लोगों के पास, बिल्डिंग है गाड़ी है सब है, तो आने वाले नस्ल को जुआड़ी क्यों बनाना चाहते हो, हमें ये पूछना है आप लोगों से, क्या चाहते हो, मतलब जुआड़ी बन जाए। जानते हो कैसे जिल्लत का जिंदगी जी रहे, हम जुआ नहीं खेलते यार, फिर भी मैं ना 20,000 कमा रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे का स्कूल का फीस 3,000 चले जाएगा, दो बच्चे का मिला के 6, मेरा तो नॉर्मल स्कूल में है, ट्यूशन का फीस, घर का भाड़ा, खुद का मैनेज, खाना मेरी फटी पड़ी रहती है। और अगर हम काम इतना करते हुए बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और मेरे बच्चे बड़े हो गए, अगर तुम्हारे कहने पे तुम्हारे एड करने से जंगली रमी खेलने लगे, जुब्बी लेड लूडो खेलने लगे, एक्वा लूडो खेलने लगे, ड्रीम इलेवन खेलने लगे, तो मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। हम लोगों ने आप लोगों को फिल्म देख देख के सुपरस्टार बनाया, और आप लोग मेरे बच्चे को बदले में जुआड़ी बना रहे हो। और खुदा ना खास्ता आप ही का बच्चा अगर जुआड़ी बन गया और जंगली रमी खेलने लगा ना, तो आप लोग का ले लेगी पूरा दौलत चले जाएगी। तो अल्लाह के वास्ते ब्रेंड को बच्चे को वास ना करो, जो बड़े खेल रहे हैं जो बर्बाद हैं वो तो लूट चुके सनम, अब तो लूटने मत दो, अब तो करोड़ों का मालिक हो, अब तो अरबों का मालिक हो, इतनी सी समझदार नहीं है। जंगली रमी से किसका उद्धार हुआ है भाई, मैंने भी एक बार लूडो खेला था, एक बार लूडो 10,000 रुपया हार गया, किसको सुनाएंगे, 2-3 साल पहले 10,000 हार गया, तब मुझे पता चला ये सब ऐप से कोई जीत नहीं सकता। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि मैं किस ट्रैफिक में वीडियो बनाया ये चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर कुछ गलत बोला सॉरी माफ़ी, और किसी को टारगेट नहीं किया गया है, इसमें जनरेशन को टारगेट किया गया है, बाकी किसी को टारगेट नहीं किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, और जितने भी सुपरस्टार हैं हमारे हिंदुस्तान के, अल्लाह के वास्ते जुआ का एड थोड़ा कम कीजिएगा। मैं हर किसी को कह रहा हूँ, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अन्य बॉलीवुड का बड़ा बड़ा एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, आप लोग जुआ का एड ना करें, नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में आने वाले जेनरेशन सब जंगली रमी ड्रीम इलेवन में व्यस्त रहेंगे, ना टैक्सी चलाने वाले मिलेंगे, ना आपका घर में खाना बनाने वाले मिलेंगे, ना आपका चड्डी बनियान धोने वाले नौकर मिलेंगे, सबको आप लोग जुआड़ी बना देंगे और खुद देश को बर्बाद करेंगे। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, मंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा, और अगर कुछ गलत बोला हूँ तो सॉरी, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, अपने छोटे भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।